देश की सुस्त होती अर्थव्यवस्था में विभिन्न एजेंसियों ने 2019 से 2020 वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 5% रहने तक का अनुमान लगाया। वहीं अब आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जीडीपी को केंद्र सरकार के अनुमान से भी कम रहने की बात कही है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2019 में भारत की विकास दर 6.1% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसे घटाकर 4.8% कर दिया गया है। रिपोर्ट में इस गिरावट की वजह घरेलू मांग में आई तेज कमी और नॉन बैंक फाइनेंशियल NBFC सेक्टर में आई मंदी को प्रमुख वजह बताया गया है। आईएमएफ के साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO ने रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की विकास 5.8% रहने का अनुमान जताया है, जो कि पहले के अनुमान से 0.9% कम है। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 के लिए विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गति के लिए मौद्रिक और राजकोषीय घाटे में सुधार के साथ ही वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में कमी आना जरूरी है। वहीं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पिछले महीने पहले दिसंबर में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन ने कहा था कि भारत की विकास दर के अनुमान की जल्द समीक्षा की जाएगी और संभव है कि इसमें कटौती की जाएगी। आपको बता दें कि आईएमएफ की रिपोर्ट से केंद्र सरकार को झटका लग सकता है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार 5% ग्रोथ रहने का अनुमान लगा रही थी, वहीं आईएमएफ ने इसे 4.8% रहने की बात कहकर सरकार के दावे को झटका दे दिया है। वहीं बीते सप्ताह संयुक्त राष्ट्र ने भी वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 5.7% से घटाकर 5% कर दिया था। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भी अपने पूर्व के अनुमान 6% में कटौती कर भारत की विकास दर 5% रहने का अनुमान जताया था। मालूम हो कि पिछले करीब एक साल से अर्थव्यवस्था के हालात बिगड़े हुए हैं। मंदी के असर के कारण ऑटो सेक्टर के साथ अन्य क्षेत्रों में लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। केंद्र सरकार ने मंदी से निजात पाने के लिए टैक्स में कटौती जैसे कदम तो उठाए, लेकिन उसका खासा असर देखने को नहीं मिला, बल्कि टैक्स कटौती करने से राजस्व में 1.5 लाख करोड़ का नुकसान जरूर हुआ। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे में विफल होने पर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों का मानना है कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था छोड़कर बाकी मुद्दों पर ध्यान दे रही है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।